तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्णना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, तुमरी महिमा वर्णना साको। तू ठाकुर ऊच भगवाना, सतनाम वाहे गुरु साहेब जियो। राग सूही छंत महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन बाबरे तू काए देख पुलाना, सुन बाबरे ने कूड़ा लायो कुसुम रंगाना। सुन बाबरे तू काए देख पुलाना, सुन बाबरे ने कूड़ा लायो कुसुम रंगाना। सुन बाबरे क्या कीचै कूड़ा माणो, सुन बाबरे हब वैसी गर्भ हो मानो। निचल हब जाना मिथ्या माणा, संत प्रभु हुए दासा। जीवत मरिया पहुजल तरिया, जेथी वै करम लिखे आसा। गुर से वीजै अमृत पीजै, जिस लावै सहज ध्यानो। नानक शरण पया हर द्वारे, हौं बल बल सद कुर्बानो। गुर सेवी जय अमृत पी जय, जिस लावें सहज त्यानो। नानक शरण पया हर द्वारे, आऊं बल बल सद कुर्बानो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। टलदी शाम असी सत्संगत दे समय नूं माणदे हां। आप टैलीविजन राहीं जां होर मीडिया आउटलैट्स राहीं घरां थावां तों गुरु शब्द दी आभा नूं माण पा रहे हो, वडभागता है। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्या विच सूही राग दे छंतां दी विचार हो रही है। गुरु अर्जन पातशाह जी द्वारा पवित्र पावन ये उच्चरित किया शब्द सानू प्राप्त है। आप जी ने इस पावन बाणी दे इस शब्द दे दो शुरुआती बंदां दी व्याख्या सरवण कीती है। तीन नंबर बंद दी व्याख्या अज आप जी दे समकक्ष करन दा यतन होएगा। एग्जैक्टली बाबा जी जो वर्ड यूज कर रहे हैगे ने फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द शब्द सुन बावरे, सेम काइंड ऑफ वर्ड इज गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हेयर इन दिस स्टैंजा बाबा जी इज रिपीटिंग सुन बावरे, क्या कीचै कूड़ा माणो। क्या कीचै, कीचै मीन करना, to do or to follow or to act. Kuda, false, bekar. Mano, ahankar, pride. You know, see, fake pride or false pride kahine hai gaya.
बाबा जी बयान कर दे कि जिहड़ी तेरी मैडनेस आ, पागलपन आ, इह तैनूं अहसास नहीं होण दे रहा, तू सच्यार ते की होना आ, तू ते रियलिटी तो ही दूर हो गया। हुण रियलिटी तो दूर होण दा मतलब की है, तू कूड़ दा माण अपने मोढ़ियां ते चक्किया आ। इहनूं इस तरीके नाल देखिए, माण में चली कम फ्रॉम लिटल बिट kind of background information from Guru Granth Sahib Maharaj. Baba ji kehnde ne ki jeevan de vich panch rusaye panch manaye, assi panjan nu rusana aa, assi unna nu duda dena aa, panjan nu assi mana lena, unna nu assi friend bana lena hega. Actually have sort of friendly approach toward five elements, and toward five we should not have actually friendly approach, even we should have sort some kind of enmity toward them. Oh kede panj ne jinnan nu assi rusana aa, kaam krodh lobh moh hankar, oh kede panj ne jinnan nu assi manana aa, dharm bairag daya sach ate sneh, eh ho je jede gun ne unnan nu. हुणे जो चीज़ां बात आ रही है, ये मनुख दे विच ही पईआं ने, पंजे चीज़ां जिन्हों असी इस तरह शब्द पढ़ते हाँ। आप उस दिन विचार कर रहे थे भगत रविदास जी के शब्दों के विच, मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जाम है। बंदे च पंच दोख ने, उही ने जिहड़े एक एक दोख एक मिर्ग विच मिल जाता है, एक मीन विच मिल जाता है, एक पतंग विच मिल जाता है, एक कुंचर विच मिल जाता है। सो उन्हां वाले दोख जिहड़े हैगे ने, इहदे नाल बाबा जी ने बयान किया, कितने शब्द पढ़ते हाँ, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख अर अहंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन। पंच दोख अर अहंग रोग, पंच दोख ते है ही है, फिर दे नाल दी नाल एक स्पेसिफिक रोग भी है, दैट रोग इज अहंकार। एक वड्डी अलामत है बंदे दे विच, मतलब बंदे कोल कुछ है उहदा भी माण है, जे बंदे कोल कुछ भी नहीं औगुणा दा भी माण है। अलामत ए भी है बंदे दे विच। वैसे ते भगत जी ने बहुत कमाल दा एक होर जगह शब्द लिखिया, भगत रविदास जी दे बचन आ, वो बयान करदे जो संसार विच वेखदे आ ते बंदे दी फितरत ते नज़र पैंदी है, हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते एह बुद्ध कभे ना नासी। बंदे दी बुद्धि दे उत्ते, बौद्धिकता दे उत्ते, जिन्हों तुसी इंटलैक्ट कह लो विजडम कह लो, वी कैन ईजीली नोटिस दैट वी हैव ए वेरी kind of bad impact or grip on our thinking. That impact or grip, which is Baba Ravidas is talking here, which is coming in every path of the life, in the every, actually you can say, human being, we can notice it easily. Here they are counting few categories of humans who are, we can actually say they are superior classes or superior category for human beings, such as hum bad kab, kab poet kavi jinnu lokan nalo vakhri samajh hai. Koi banda likhari te koi bhi ho sakda hai, bolan wala bulara koi bhi ho sakda hai, par kavi koi bhi nahi ho sakda. No, kavi hon layi te bahut gehri samajh chahidi hai. ईवन इतों तक ही नहीं, बंदे दो कुदरती तौर पर कुछ एक्सट्रा विजन होए वो कवि बनता है, क्योंकि शब्द से सारे लफज से सारे ही देखते पढ़ते हैं, पर कवि वो होंगे ने जिहड़े लफजां नूं इस तरह परो दिंदे ने, जिन्हां नूं सुन के जिन्हां नूं पढ़ के लोगों का दिमाग खनकदा है, हलदा है, वाकया च भाई कमाल, जिहड़े तुकबंदी जानदे, जिहड़े लफजां नूं परोंदे किसी खास कैटेगरी दे विच, इन्हों असं कवि कह दें, शायर कह दें। जो अं गुरु साहब के बचन पढ़ीए
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਇਰ ਏਮ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਕਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਤ ਕਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। 1860 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਸ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਰਥ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਅਡੋਪਟਿੰਗ ਇਟ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਵਟ ਹੈਪਨਡ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਦੈਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਕਸੀਡ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਫੋਕਸ ਹੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦੇਅਰ ਰੋਲ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਐਕਚੁਲੀ ਨੇਮ ਦੋਜ ਫੋਕਸ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਲੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਵਾਬ। ਭਾਈ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਜ਼ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਜ਼ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਪਲੇਡ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ ਓਵਰ ਦੇਅਰ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕਵੀ ਸੀਗੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਰਸ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ 26-27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਾਵਮਈ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸੰਤ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਇਟ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਫਜ਼ਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਇਟਸ ਨੋਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਟੇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੈਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਲਸ ਐਕਸਪਰਟ ਆਫ ਇਜ਼ ਓਨ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਸਾਈਕਿਕ ਵਰਲਡ, ਈ ਔਰ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੋਰਟ ਆਫ ਵੀਕਨੈਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀਕਨੈਸ ਵਿੱਚ ਟਾਕਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਈਗੋ ਈਗੋਟਿਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਹਮ ਬਡ ਕਬ, ਮੈਂ ਪੋਏਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਏਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਮਾਣ ਆ। ਹੋਵੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਜਸਟ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੂੜ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕੋਈ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਟਸ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਨਵਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਸੰਮਨ
कैन बी वेरी ग्रेटफुल टूवर्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑलमाइटी वाहिगुरु जी इफ दैट वन कैन नोटिस व्हाट दैट अकाल पुरख वाहिगुरु हैज ऑफर्ड और हैज एक्चुअली गिफ्टेड टू दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस रूप में जी देखा जाए थे इफ वन इज एबल टू सी व्हाट आई हैव इंजॉयड व्हाट आई एम इंजॉइंग from that existence and that is called taan ability once we are able to notice our ability then we should be very thankful very grateful toward Vaheguru Ji you have blessed us this ability a has spirituality banda apni ability nu notice kare the right way proud ho jaye yes I am the owner of this ability baba ji says this is fake element It's gonna destroy you. It's gonna distract you. It's gonna lead you toward your, you can say, jedi teri vinashkari pravritti hai, us passe nu le jayega. So is karke baat kiti, eho jya ek vihar behavior adopt kar, ki gaavai ko taan hove ki saitaan, gaavai ko daat jaana hai nisaan. Whatever you or someone is enjoying, just say thanks to Vaheguru Ji. Vaheguru Ji, you are very great. You have blessed me. This specific activity, specific strength, specific skill. So this way, one have to adopt a understanding of his own ability. But once person is very great poet, very good, actually, you can say, jada words nal play kar sakda hai. Par naal di naal, ahankar di birti bhi hai. Sab kinde sab kuch prapat karke gawa dita. Ham bad kab kulin ham pandit. Kulin, uchi kul. Jada, matlab meri family da surname bada uchaya. I belong from a higher rank of family. I belong from this kind of family. I have this kind of khandan. Gurmat ne cheez na darsai. Gurmat ne kya? Janam hona si ho gaya. Aavan ayo srisht mein. Mother nature da pejya hoya banda srishti te a gaya. Bin bujha pashu tor. Jeune srishti te a ke apne jeevan da asal maksad ni samjhya. Then aisa pashu janme aisa banda janme ek barabar hai. Even in today's world where we are living, people are saying this is kind of jada hai gaya, evidence-based world. Itthe har cheez evidence te khadi hai, ode te chaldi hai. Suppose karo, tusi koi information par deo, ode vich, ajkal te parents ta naam hi, guardian, jada hai gaya, ek tarah de naal guardian vich lehen do, kende, who is your guardian? So, guardian te jagah te tusi naam par dita. Thought of first or last name, it's a just code of your identity, nothing else. Ede naal agli information de vich tuhanu puchya janda hai who you are. Je tuhanu koi oh ji job ya oh ji koi tuhadi te utthe load hai ode tuhada height puchhi jayegi medical form hai height puchhi ja rahi hai weight puchya ja rahi hai tuhadiyan kuch hor body descriptions puchhiyan ja rahi hain je resume hai tuhadi skills puchhi ja rahi hai us roop de vich and no one can say yeah I have actually main inne foot da hai mera father inne foot da siga no one can say ki main jada hega ya is skill da malik hai but my great grandfather was having this kind of strength or skill is tarike de naal bhai gall e hai tu ki attain kita tu ki earn kita kul da maan jehda ya e sirf inna ho sakda ha change si sade buzurg but unna changeyan nu si follow kar rahe ha if we are following their path then definitely unna nu vi credit hai sanu vi kuch da maan ya पर जे आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो पाथ दैन हाउ कैन वी से दैट वी बिलोंग फ्रॉम दैट क्लोन और वी बिलोंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड सो ये सारिया चीज़ों के उत्ते बाबा जी ने कहा
तंदे नांग वाच फेक प्राइड आ हम बड कब कुलीन हम पंडित पंडित विद्वान नू क्या जांदा इत्थे जात दी गल नहीं हो रही कोई स्कॉलर बंदा आया स्कॉलर होने का मतलब की है जिवें आपां यूरोप तक बहुत बड़े स्कॉलर नू पढ़दे हां गैटे नू तो उहदे बारे क्या जांदा है कि वह एक बारी किते किसे स्कूल विच चला गया तो उत्थे सारे विद्यार्थी बैठे से अगे टीचर ने गैटे नू इंट्रोड्यूस किया तो वह इंट्रोड्यूस करदे विच उहदे इंट्रोडक्शन दे विच कहिंदा कि किड्स सम टाइम यू आस्क मी वेरी डिफरेंट और वेरी एक्चुअली हार्ड क्वेश्चनस And you might have seen, I'm not able to answer your old questions all the time. I tried my best, but I'm not that much expert. But today I can tell you, we have expert who can answer any of your question. So feel free, whatever you are going to ask from any actually type of question or you can say on any subject, this individual can satisfied you can answer your questions gate di badi badi introduction si oh paave math da hai paave sociology da ya paave metaphysics da ya paave philosophy da any kind of subject you can feel free to ask questions theek hai ji bacche vi bada maan mehsoos kar rahe ne ki sanu eh ho je individual nal gal baat karan da mauka pad reha hai jadon gate agge hoya to ohnu kehnda ki वो कहते भी दसो हूँ तुम एड्रैस करो बच्चों को कहते बच्चे मैं थोड़े टीचर की जो ने गल कही ने मैं रिकॉर्ड करदा मैं बड़ा इस गल तो थैंक्स करदा बट मैं तुम्हें पहले दसदा मैनू इस तरीके ना अंडरस्टैंड कर समझा जे मैं तो कुछ भी नहीं पता सच्चाई ये है तुम मैं कोई क्वेश्चन पूछो वो मेरा ओपीनियन जरूर होएगा मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर तो जड़ा वो बंदा जानता है जड़ा 100% किसी चीज़ बारे बिल्कुल क्लीयर होए मैं तुहानू दसदा हाँ मैं उन्ना ही मूर्ख हाँ जिन्ना एक आम ऑर्डीनरी बंदा धरती ते या उहदे तों वी घट क्योंकि जिन्ना ज़्यादा मैनू पता लग रहा मैनू थोड़ा पता आ मैनू बहुत घट पता आ ये जड़ा अहसास है ये विद्वान का अहसास है क्योंकि इस सारे जिस यूनीवर्स नू भी देखिए तो यूनीवर्स दे विच रोशनी बड़ी थोड़ी है ज़्यादा हनेरा है जिहड़ा बंदा जिन्ना एक्सपर्ट होएगा यूनीवर्स का उन्ना ज़्यादा एक्सपर्ट है हनेरे का रोशनी का नहीं साढ़े अंदर की दुनिया में भी इस तरीके साढ़े अंदर जी इनलाइटमेंट आते बहुत थोड़ी है ज़्यादातर साढ़े अंदर दे फॉल साढ़े अंदर दी वीकनेस साढ़े अंदर दी मिस्टेक साढ़े अंदर दी डार्कनेस आ इफ वन इज क्लेमिंग दैट आई एम वेरी इनलाइटेड दैट मीन दैट परसन इज able to see how much darkness that individual is holding. So ithe jaake maan kada aya fir te banda kehnda no main te bahut moorkh haan mainu te kuch vi nahi pata par bhagat ji kehnde ide bilkul opposite jehde claim karde ki I am the scholar and only one scholar in this world I am the expert eh jehda I am jehdi eh proudy baat aa कहिंदे हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी जोगी पीपल हु क्लेम वी आर द सेंट वी आर द मॉन्क वी आर द सेंटली पर्सनैलिटीज कह लगे सन्यासी वर क्लेमिंग इन दिस वर्ल्ड वी आर द पीपल हु हैव रिनाउंस दिस वर्ल्ड त्यागी हो गए से ये जड़ी बुद्ध आ ये बंदे दे विच हर वक्त बैठी है यही परेशान कर दिया हम बट कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ज्ञानिया की गल की गुणिया की गल की सूर सूरमिया की गल की यह बुद्ध कभे न नासी यह बुद्धि कभी खत्म ही नहीं हुई यह है फेक प्राइड यह बंदे नू हमेशा मारता आ बंदे ने इहदे इनफ्लुएंस तो बचना आ ते यह चीज़ अपने आप आ जाती है मैं बेनती की कोल कुछ नहीं औगण ने ते बंदे च तां वी अलामत है तां वी उहनूं मतलब प्रॉब्लम हैगी पर गुण आ गए बहुत सारे गुणा दे नाल एक एक्सट्रा चीज़ प्राइड आ गया सब कुछ बना के बंदे ने गवा दिता ये अलामत तो बचने वास्ते गुरु बाबा जी कहिंदे इस वीकनेस तो बचने वास्ते अपने आप दे उत्ते ध्यान दे एम्फेसाइज कर अपने आप नूं थोड़ी क्लिंजिंग कर अपनी जिवें साडे एक मित्र हैगे ने प्रेरिस दे विच
लोगों के कोलो एक सब्जेक्ट पर डॉक्ट्रिन नहीं होंगी, शायद तीन सब्जेक्ट के उत्ते डॉक्ट्रिन करके बैठे ने। इज़ वेरी कैन से सक्सेसफुल प्रोफेसनल, सक्सेसफुल बिजनेस मैन, एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल इन हिज बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सोशल लाइफ। एक दिन बैठे कितने गल हो रही है तो कहते मेरा गाइड से अमेरिका दे, जे कोई गल होए तो मैं एको गल कह दिया, मैं कि इट्स लॉर्ड्स ग्रेस, नथिंग एल्स, इट्स वाहेगुरु की बख्शिश है, होर कुछ नहीं। वो कहिंदा आई एम एक्चुअली टायर्ड ऑफ इट, यू नो, बाय लिसनिंग अगेन एंड अगेन सेम काइंड ऑफ वर्ड यू आर ट्राइंग टू शो मीन एक्चुअली वेरी हम्बलनेस फ्रॉम योर साइड, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग। तो कहिंदा आई एम सॉरी इफ यू एक्चुअली फाउंड दैट काइंड ऑफ bugging thing from me, but let me actually tell you very clear, in your case you might have a pride that yes, I am the achiever, I am the doer, but in my case whatever is happening, it's Vaheguru's grace, it's Almighty's grace, nothing else. If I see toward my childhood, toward my schooling, toward my actually whole lifespan, then I can easily find out I'm an ordinary person who might not have achieved actually in even 10% what I am achieving at present in this life. What is happening extraordinary with me, this is a grace. So I cannot go away from it. Okay, that right after actually did a white professor Sika, okay, that, you know, this is a beauty, this is a glory of your mindset. And that's why you are able to achieve on that level. अदरवाइज पीपल गैट स्टक, कोई प्राप्ति हुई उदा प्राइड आया बस उदे विच ही जड़ा है स्टक होके बैठ गया। साहब महाराज ने कहा, वो बंदे तेरी लिमिट कोई नहीं है क्योंकि तू ते उस इनफिनिटी चो आया है, तो इनफिनिटी तेरे कोल हैगी है। जिहड़ी चीज़ रोकदी है तेनू, वो तेरा फेक प्राइड आ। इत्थे बचन आया, सुन बावरे क्या कीचा कूड़ा मानो, क्यों इस कूड़ दे मान दे विच अपने आप नूं गवा लेना है। सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, सुन बावरे ओ कमले हब वैसी, वैसी बीते कल भी इत्थे बात हो रही सी कि एक्चुअली जिहड़ा रूट वर्ड है दा, वो है वंजसी, मतलब किसी चीज़ का वंज जाना, निकल जाना, जिवें पानी का फ्लो हुंदा है, बीते कल बात की सी, वह जाता है, उदी बात हो रही है, वहन दे तौर ते, वंज जान दी बात तौर दे ते। क्या सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, एक दिन तेरा गर्भ गुमान वह जाएगा, टुट जाएगा। ते ये रियलिटी है, बंदा किस चीज़ ते प्राइड करेगा। तुसी देखदे हो जे अज दे तुसी देखिया होए, बड़ी चर्चा चल रही है जे तुसी किसे जस्ट रिच फैमिलीज़ का या बिग फैमिलीज़ के गॉसिप वगैरह से थोड़ा बहुत कई बार लोग पढ़ते हैं, रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड कैसी मैस फैली पई है, ओपरा विनफ्री के नाल एक इंटरव्यू आ रहा, वह जड़ा है उस खानदान के अगले चिराग का, तो किनिया चीज़ा उत्थे रिवील हो रही ने, सब चीज़ा बहर आ रही। सो ये बंदा कहता भी फलाना बंदा वो तो जी बादशाह बंदा है, राजियां वर्गी जिंदगी है जी, राजा बंदा है। मतलब बाणी ने इस तरह नहीं कहा, सगल सृष्ट ते राजा दुखिया, जिहड़ी दुख दी वेदन दी अवस्था आ ना, ये सिर्फ इत्थे नहीं हुंदी, कई लैवल ते हुंदी है। बाकी भी चीज़ आ, बंदा वड्डे तो वड्डे अहुदे ते पहुँच जाए, स्टेटस रोयल स्टेटस, मतलब हायर लैवल का स्टेटस आ, होया कि सब वैनिश हो गया, डुल गया, खत्म हो गया। बल्कि एहो जे स्टेटस सब तो उत्ते खड़ा बंदा, तो जो योजी सारी डर्टी लॉन्ड्री खुलती है, फिर पता लगता, ओ माई गॉश, वट आर दे होल्डिंग, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ यू कैन पीपल पीपल वेयर वी शुड हैव सोर्ट ऑफ प्राइड टू वर्ड दैम। नो, दे आर ऑल्सो फुल विद वीकनेसेस, दे आर ऑल्सो फुल विद इवन वेरी, दे आर प्लेइंग वेरी डर्टी ट्रिक्स इन देयर फैमिली सैटिंग्स, इन देयर एक्चुअली जोड़ा उन्होंने रिलेशनशिप डीलिंग वो सो की है, वो सारा गुमान जड़ा आया वो वैनिश हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया। साहब ने बयान किया,
सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो निचल हब जाना मिथ्या बाणा। निचल यकीनन तौर पर हब जाना, ये सब चीज़ा जान गया, चलिया जान गया। जिसनों मैं और सरल करके बयान करा, साढ़े आम खास करके जड़े असी जिस बैकग्राउंड चो आ रहे हैं, साढ़े अंदर ऑनर, जितों ऑनर किलिंग वर्गे वर्ड निकले है ने, मतलब ये है कि किसी खानदान का एक ऑनर है तो ऑनर नहीं खराब होना चाहिए था। भाई ऑनर किस चीज़ का करोगे तुसी? जे मैं सिंपल बहुत सरल बयान करदा, गुरु नानक साहब एक स्टेटस ते आए, ऐसी रूह है, ऐसी हस्ती है। भाई गुरुदास जी कहते, जाहर पीर जगत गुरु बाबा, जहरा पीर है ते पूरे जगत का गुरु बाबा आ। मतलब की वड़े वड़े औलीए, पीर, फकीर, योगी, सन्यासी, राजे, सब गुरु नानक साहब के अगे सिजदे करते हैं। क्या स्टेटस आ, मतलब इस चीज़ का तो बड़ा ऑनर होना, बड़ी वड्डी चीज़ हो ना। बाबा जी ने कहा ये केड़ी गल, इत्थे ते एक दिन सब बंदे ने मिट्टी हो जाना, केड़ियां गल्लां करदा तू। हाँ, जिस चीज़ के उत्ते तेनू झोरा अफसोस होना चाहिए वो ये है कि तेरे वालों कोई माड़े काम ना होए, तू दे रिस्पोंसिबल हो। ये अपने अपने वो ध्यान दे। सो जो फेक अपने ऑनर बना लेना तो वह प्राइड बना लेना, सब बाबा जी कहिंदे इहदे तों आजाद हो जा। ये चीज़ सवाए परेशानी तो, सवाए तेरी जिन्हों कहा जाए ओवर वरीज तो, बर्डनस तो, दे आर नॉट गोना गिफ्ट यू एनीथिंग एल्स। सो कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ माइंड सैट। हेयर इन द शब्द महाराज इज सेइंग, इस पंक्ति दे बाबा जी कह रहे ने, निचल हब वैसी, एक दिन वाक्य च ही मुकेगा, पक्की गल है। जे आप देखिए मुगल हुकमरान सीगे तो उन्होंने कई बार इस गल का होंदा सीगा कि अच्छा सानू किसी ने सिजदा नहीं किया, इस गल ते बंदा कतल कर देना। मतलब तुहानू किसी दे सिजदा ना करन दा ते इन्ना ज़्यादा हैगा है, तुहानू ये नहीं पता कि ह्यूमन लाइफ जिहड़ी तुसी ये खराब कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, इहदी कोई वैल्यू नहीं। बाबा कबीर जी के शब्दों च पढ़ते हैं ना, तो उथान का भगत माल च पढ़िए कि भगत कबीर जी नू हाकिम ने पकड़ लिया ते उहदे कोर्ट विच उहदी पेशी की गई। उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्होंने कोर्ट के जदों उन्हें प्रजेंट किया गया तो उस वक्त की होंदा है कि हाकम सोचता है मैं एक ऑर्डीनरी बंदे नू फड़े आया जिहड़ा बड़ा गरीब जाया माड़ा जाया, जो मेरी कचहरी च आएगा उते हाथ जोड़ के मैनू नमस्कारा करेगा, तरले करेगा, मिन्नतां करेगा, मतलब बड़े प्ली करेगा, बड़ी रिक्वेस्ट करेगा। बाबा कबीर जी एक सिंपल तौर पर जिवें उन्होंने लजांदा गया, खड़े हो गए आके। हाकम वेख के बड़ा हैरान होया, वो कहिंदा कमाल हो गई, ये तो मेरी जिहड़ी आ मेरे प्राइड नूं इन्हें तो चैलेंज कर दिता, मैनू तो सैक्शुअल लैवल पर जिहड़ा आ मैनू तो इसने उस तरीके की रिस्पैक्ट पे नहीं की। तो हाकम कह उठा कि कबीर तेरे बारे सुनिया सीगा, इस किस्म का होमानी बंदा आ, हकीकत यह है कि तेनों एक गुनाह नहीं सद्या सी, गुनाह दो हो गए। कोई वजीर सीगा जिहड़ा सोचता सी राजे तो गुनाह ना हो, इस किस्म का इस फकीर बंदे नू, इस संत बंदे नू सज़ा ना मिले, तो वह कहिंदा भी बादशाह सलामत की गल करदे हो, गुनाह तो एक ही है, भी राज खुदा वालिया का है तो यह रमे हुए राम की गल करता, यही गुनाह आया, दो दूसरा किहड़ा आया? वह कहिंदा तू कमला तू देखिया नहीं, तेरे सामने इन्हें सिजदा नहीं किया, इन्हें सलाम नहीं की। जो ये बात हुई बाबा कबीर जी जवाब देन लगे, कहन लगे गल यह है भी राजन बादशाह जे मैं सलाम नहीं किया तू किहड़ा किया आ, मतलब ये तो दोनों के बराबर ही है। जे मैं इफ आई एम नोट शेयरिंग एनी ग्रीटिंग्स सेम टू यू, यू आर नोट शेयरिंग एनी ग्रीटिंग टू वर्ड मी टू, सो इन दैट वे वी आर सेम इन द सेम बोट। वो हाकम हसदा जोर ला के, वह कहिंदा तू पागल है, तेनू पता है
ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਥਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਵਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਚਲ ਹਬ ਵੈਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੀਚਲ ਹਬ ਜਾਣਾ ਮਿੱਥਿਆ ਮਾਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ? ਇਹ ਮਾਣ ਮਿੱਥਿਆ ਆ ਸੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਦਾਸਾ। ਭਾਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਹੰਬਲਨੈਸ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਇਹਦੀ ਵੱਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀ ਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਇੰਜੋਇੰਗ ਸਮ ਵਰਚੂ ਸਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਮ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟੂਵਰਡ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਚੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਅਸ, ਗਿਵਿੰਗ ਅਸ ਸਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਿਸ ਪਾਥ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਟੂਵਰਡ ਇਟ। ਇਹ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੁਣ ਬਾਵਰੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਜੀਵਤ ਮਰੀਐ ਭਉ ਜਲ ਤਰੀਐ ਜੇ ਥੀ ਵੈ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਗੁਰ ਸੇ ਬੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜਿਸ ਲਾਭ ਹੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋਂ। ਜੇ ਗੁਰ ਸੇ ਬੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲੋ ਆਵਰ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਈਵਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਿਆ ਆਪਣਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਵਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਟਰਨੈਸ, ਟੇਸਟਲੈਸ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਸਟ ਖਲਾ ਵੈਕਿਊਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਘੁੱਟ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਨਮਾ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਾਭ ਹੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨੋਂ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਰਦੁਆਰਾ ਹੋਮ ਬਲਬਲ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨੋ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੋਮ ਬਲਬਲ ਸਤਿਗੁਰਬਾਨੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਿਨਤੀਆਂ ਲਿਖਾਵਾਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬੀਨਾਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਰਿਸਪੋਂਸ ਲਈ। ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਵੀ ਵਰ ਜਸਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇਟ, ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫਾਰ ਯੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸ, ਫਾਰ ਯੋਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰ ਯੋਰ ਐਫਰਟ। ਮੈਂ ਸੋਰੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ, ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਬਿਜ਼ੀ। ਬਟ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੋਸਟ ਸਮ ਅਦਰ ਕਮਿੰਗ ਈਵੈਂਟਸ, ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡੂ ਸਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ, ਸਮ
सिक्खी वाली साइड तो कुछ एजुकेशन दे लैवल ते साढ़े तक पहुँचता हो सके तो उहदे लई तुहाडे तक मैसेज जरूर पहुँचणगे। पर थैंक्स तुहाडे पार्टिसिपेशन वास्ते ते खास करके जिन्हां वीर जी ने ते साडी हैल्प भी की आके कैमरा किया सारा कुछ किया उस तरीके नाल। शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।